मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और रियल इस्टेट जैसे कि प्रॉपर्टी में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल का मीनिंग होता है दो या दो से ज्यादा लोग, और फंड्स का मीनिंग होता है पैसा। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही ऑब्जेक्टिव से पैसा लगाते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। अ म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट पूल्स मनी from many investors invest it in stocks, bonds, short-term money market instruments and other securities. इस mutual fund का objective है market से means debt or equity से profit earn करना। knowledge की कमी की वजह से लोग profit earn नहीं कर पाते, इसलिए ये लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर इन दैट इज म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो क्वालिफाइड और नॉलेजेबल पर्सन होता है। म्यूचुअल फंड्स हैव अ फंड मैनेजर हु इन्वेस्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स of buying, selling stocks, bonds, etc. जो investors की तरफ से means stocks, bonds, T-bills, company deposit, etc. में पैसा invest करके profit कमाने की कोशिश करता है। हर mutual fund का एक objective होता है जो depend करता है risk taking capability, यानी इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है या ज्यादा रिस्क है। इट इज अ व्हीकल टू मोबिलाइज मनीज फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज इन लाइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अग्रीड अपॉन बिटवीन द म्यूचुअल फंड एंड द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पे कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 5 ईयर्स, तो आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टाइम होरिजन के हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में जरूर मिलता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इस पिक्चर में देखें, हम देखेंगे कि म्यूचुअल बीच में जो ये हमारी एक बैग रखा हुआ है, दैट इज एक पोटली रखी हुई है, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा एक साथ लगा रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इन्वेस्टर है, इसके पास ज्यादा सेविंग नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूरी सेविंग तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये 500 रुपीज लगाता है, ये 5000 लगाता है, ये 1000 लगाता है, ये 10,000 लगा रहा है, ये 15,000 लगा रहा है। तो ऐसे में जब डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह इकट्ठा होके डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसे में जो हमारे पैसे डूबने के चांसेस हैं, यानी कि जो हमारा रिस्क होता है, वो बहुत ही कम होता है। अब हम शॉर्ट में म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट को रिवाइज करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे। अब हम म्यूचुअल फंड के फीचर्स को देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या हैं। जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है म्यूचुअल फंड का, वो है मोबिलाइजिंग स्मॉल सेविंग्स।
यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उनके पैसे को मार्केट को एनालाइज करके डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि जो हमारा रिस्क होता है यानी कि रिस्क मीन जहाँ पे हमारे पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा रिस्क कम होता है, पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या है, हमारा एक बहुत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अपनी सेविंग का स्मॉल पार्ट इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकता है। म्यूचुअल फंड्स मोबिलाइज फंड्स बाय सेलिंग देयर ओन शेयर्स नोन एज यूनिट्स। दिस गिव्स द बेनिफिट ऑफ कन्वीनियंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ओइंग शेयर्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है हमें एक राइट पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प से, यानी कि जिनको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होती है, जो मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करके इन्वेस्टर्स के पैसे को सही डायरेक्शन में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स एन आइडियल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड अनेबल्स देम टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न विद बेटर लिक्विडिटी। हर कोई कैंडिडेट क्या चाहता है, यानी कि इन्वेस्टर, कि वो जो भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, अगर फ्यूचर में उसको अपने पैसे की नीड होती है तो वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लॉक ना हो जाए, यानी कि जब भी उसको अपने पैसे की नीड होती है तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही वो अपनी जो भी उसने यूनिट्स को लिया है उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। इट ऑफर्स इन्वेस्टर्स अ प्रोपोर्शनेट क्लेम ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ असेट्स दैट फ्लक्चुएट इन वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में जो हमारा इन्वेस्टर्स का पैसा होता है वो प्रोफेशनल, जो हमारे मैनेजमेंट, एक हमारी टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके नॉलेज के बेसिस पे, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे जैसे कि मार्केट को पूरा एनालाइज करके तभी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ देयर फंड्स। म्यूचुअल फंड एम्प्लॉयज प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज एफिशियंटली एंड प्रॉफिटेबली। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। हर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका जो पैसा है प्लस उस पे जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो सेफ रहे। म्यूचुअल फंड्स जो है उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो रूल्स होते हैं वो सेबी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको अपने इंटरेस्ट की और अपने अमाउंट की, दोनों की प्रोटेक्शन का फुल फेथ होता है। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय गाइडलाइंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बट इन प्लेस बाय रेगुलेटरी एजेंसी सच एज सेबी इन ऑर्डर प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट। द म्यूचुअल फंड्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द प्रोविजंस लेड डाउन बाय द रेगुलेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो भी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिलती है, यानी कि उसको बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड ऑफर टैक्स शेल्टर टू द इन्वेस्टर्स बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस टैक्स सेविंग स्कीम्स अंडर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा होता है वो एक पर्सन से, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में पास आउट होता है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में यानी कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम टू मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। द लास्ट बेनिफिट या फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड इज कन्वीनियंस, यानी कि म्यूचुअल फंड हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, यानी कि हमें कहीं पर भी जाने की नीड नहीं है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी ट्रेडेड इजिली विद लिटिल और नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब नेक्स्ट लास्ट में मैं यहाँ पे मतलब जो भी गूगल फॉर्म टीचर्स के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगी, जिससे कि किसी भी बच्चे को आंसर को फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके टीचर्स के द्वारा एक लिंक सेंड किया जाता है। आप उस लिंक पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द लिंक विच इज शेयर्ड बाय द टीचर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी आपके आंसर्स हैं उन आंसर्स को भरिए। कई बार आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे कि इस तरह का कोई साइन बना होता है, इसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन का जो ये पार्ट है हमको क्या करना है, फिल करना ही करना है। इसको फिल करे बिना आपका जो भी गूगल फॉर्म है, जो भी एक्सरसाइज आपकी टीचर के थ्रू दी गई है, वो सबमिट नहीं होगी। फिल योर आंसर्स एंड इफ यू फाइंड दिस साइन इट मींस दैट दिस पोर्शन ऑफ द फॉर्म इज मैंडेटरी टू फिल। इफ यू फाइंड इमेज फाइल टू बी अपलोडेड देन फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। कई बार क्या होता है कि हमारे उसमें मतलब जो भी कोई क्वेश्चन में इमेजेस या फाइल टू बी अपलोडेड करके ऑप्शन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर अपलोड कर देंगे। आफ्टर पूरे आंसर्स कंप्लीट होने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हमारे आंसर्स यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर्स क्लिक ऑन सबमिट बटन। आफ्टर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्सेज check your answers whether your responses have been submitted or not. यानी कि जो भी आपका ईमेल आईडी मतलब दिया हुआ है, यानी कि आप अपनी चेक योर ईमेल, यानी कि आपकी जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो भी रिस्पॉन्स सबमिट किया गया है वो सबमिट हो चुका है या नहीं। थैंक यू।